जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। डीवी भारती समाचार चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र वेदी, शास्त्री, राजगढ़ झांसी। सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि वालों को आपको आज के दिन किसी कार्य में हाथ डालते हैं तो काम आपका सिद्ध संपन्न हो सकता है। स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के कोई परेशानी भी हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य से आप सचेत और सतर्क रहें, अपना ध्यान रखें। दूसरी राशि है वृक। वृक राशि वालों को आपको आज के दिन किसी काम या व्यापार के माध्यम से आप बाहर जा सकते हैं, अटका हुआ काम हो सकता है। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को आपको भाग्य का उदय एवं नए पद की प्राप्ति भी हो सकती है। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को आपको आज सरकारी नौकरी में हाथ आजमाना चाहते हैं, आपका काम पूर्ण रूप से होने का योग बन रहा है। पांचवी राशि सिंह। सिंह राशि वालों को आपको आज बहुत सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। वाहन इत्यादि से नदी किनारे पर कम जाएं और अग्नि का भय हो सकता है। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को आपको आज के दिन नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण जैसे योग भी बन रहे हैं। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वालों को आपको आज के दिन भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति और अटका हुआ काम हो सकता है। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण जैसे योग बन रहे हैं। घर से परिवार मित्रों से अच्छे संबंध भी रहेंगे। नवम राशि है धनु। धनु राशि वालों को आपको आज के दिन पूर्ववत जैसे आप किसी पद पर प्रतिष्ठित हैं, नए पद की प्राप्ति भी हो सकती है। दशम राशि है मकर। मकर राशि वालों को आपको आज के दिन भूमिगत द्रव्य लाभ की प्राप्ति हो सकती है। भूमि से संबंधित कोई काम आप करते हैं, आपके लिए श्रेष्ठ, उत्तम और साधक कारक रहेगा। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वालों को आपको आज के दिन आपके जीवन का लग्न यानी प्रथम चंद्रमा है, जो कि आपके लिए ठीक श्रेष्ठ है। आप पुखराज नामक रत्न धारण करें, जो कि आपके लिए थोड़ा सा कार्य को और आगे की ओर बढ़ाया जा सकता है और आपका अटका हुआ काम भी हो सकता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।